खबरों में बने रहने के लिए YouTube पे लाइव शिवट को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर कीजिए। कस्तूरिया स्कूल सिमर चौक के बगल में है, यही सामान यहाँ पर दिया गया है। नहीं गमछा भी नहीं दिया गया, कुछ नहीं दिया गया है। कपड़ा साफ करने के लिए यही एक बीम भर मिलता है, एक 5 रुपया वाला ये लाइव हुआ दे रहा है, 10 रुपया ब्रश कोलगेट दोनों मिला के यही दे रहा है। एक थाली एक गिलास है, उसके सिवा और कुछ नहीं मिलता है। और ये दरी जाजिम सब किराए का है? वो दरी जाजिम है वो तो पता ना किराए का है सब, वो तो हमें नहीं मालूम है। लो ले लेंगे क्या करेंगे, मगर बस हम लोग का सामान जो उपलब्ध मिला है एक विम बार साबुन 5 रुपया वाला, कपड़ा साफ करने के लिए जो है नहाने का 5 रुपया लाइव हुआ है, एक 10 वाला जो कोलगेट ब्रश कोलगेट में ही ब्रश आता है वो है, एक गिलास जो है पचकता है सर देखिए काला काला पूरे हो रहा है एक दिन में ही, एक थाली है, इसके सिवा और कुछ नहीं है। सर नहीं यहाँ कोई सैनिटाइज हो रहा है न कुछ दे रहा है न हाथ धोने कुछ है, जो करना है इतना ही से करना है सर। हम लोग सुरगाही पंचायत को रहने वाले हैं, हम लोग को क्वारंटीन में है, हिरम्मा स्कूल में रखा गया है। यहाँ पे कोई खाने पीने की व्यवस्था अभी तक नहीं हुआ है, कल से हम लोग भूखे हैं। यहाँ का मुखिया सरपंच विधायक प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। सुरगाही पंचायत के मुखिया से अनुरोध है, कृपया हम लोग का यहाँ से ले जाने का अनुरोध करें। मैं राहुल कुमार राजकीय आदर्श मध्य विद्यालय नरवारा से बोल रहा हूँ। हम लोग हैदराबाद, कुछ तेलंगाना, कुछ जयपुर, कुछ राजस्थान, कुछ पंजाब, कुछ अहमदाबाद, कुछ फरीदाबाद, कुछ दिल्ली से आए हुए हैं। हम लोगों के यहाँ पे जो लोग हैं वो कुछ परेशानी में हैं, जो आप लोग के सामने बता रहे हैं। आप लोग बोलिएगा क्या क्या परेशानी है। बोलिए भैया क्या परेशानी है आपको यहाँ पे? तो परेशानी ये है, सबसे पहली सवाल, यहाँ पे कोई साफ़ सफाई की व्यवस्था नहीं है। अच्छा, साफ़ सफाई की व्यवस्था नहीं है, ऊपर से ये जो है सही खाने पीने का भी आइटम बराबर नहीं दिया जा रहा है। हाँ, और आदमी हम लोग बोलते हैं तो उल्टा ये लोग दबाव डाला जा रहा है, जिसको बोलना है बोलिए। आलू खिला रहा है, चावल खिला रहा है और पता ही नहीं चलता उसमें हल्दी है कि नमक। अच्छा, है। आपको क्या परेशानी भैया? हम लोग सर तो यही बाथरूम की दिक्कत है, किचन में दिक्कत है, खाना पीना में दिक्कत है। खाने कुछ सामान वान मिला है यहाँ पे? कुछ नहीं, सिर्फ लुंगी मिला है। अच्छा, लुंगी सिर्फ मिला है। आपको क्या दिक्कत है भैया जी? खाने पीने में जब से आए वही आलू का सब्जी और हल्दी उल्दी डाल के सिर्फ उसन का खिलाता है, और बोला था कि गंजी कच्चा तौलिया लुंगी मिलेगा, सिर्फ कल एक लुंगी दिया है, बोला कि अच्छा तो बात बढ़ाओगे आगे दबाव डाले। ठीक है भैया, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे जितने भी है प्रवासी मजदूर हमारे भाई हैं, उनको कुछ दिक्कत है, वो बताए जा रहे हैं कि क्या क्या दिक्कत है। आपको क्या दिक्कत है भैया? दिक्कत यही है कि खाना पीना में दिक्कत तो है ही है, दूसरी बात कि जो है अकाउंट नंबर जो लिए हैं वो पैसे अकाउंट में हम लोग का आएगा या नहीं आएगा कोई भरोसा नहीं है, अब अपने नाम से अकाउंट है। अच्छा, तो आप कैश लेना चाहते हैं, यही ना? चलिए ठीक है, आपको क्या दिक्कत है भैया? देखिए खाता नंबर लिया उसका कोई भरोसा नहीं है, ठीक है, इसके लिए हमको हम लोगों को कैश लेना चाहिए, क्योंकि पहले भी चीटिंग हो चुका है, खाता नंबर आधार कार्ड। अच्छा, आप लोग अभी सहमति है कैश मिलना चाहिए, ठीक है, चलिए ठीक है। और कुछ दिक्कत है आपको भैया? बोलिए क्या दिक्कत है? हाँ, साफ सफाई अच्छा है, खाना में दिक्कत हो रहा है और लुंगी सिर्फ मिला है। ठीक है, अच्छा अच्छा, चलिए इतने यहाँ पे जो भी मजदूर है उनको कुछ कैश लेना है, कुछ बाथरूम की साफ सफाई नहीं बता रहे हैं, कुछ अपना बता रहे हैं कि उनको खाने की प्रॉब्लम है, नाश्ता में है, चाय में दूध के साथ चाय नहीं दिया जा रहा है, ये सब प्रॉब्लम बता रहे हैं। आप बोलिए भैया क्या दिक्कत है? ठीक है ठीक है, यहाँ पे सभी लोग नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं हमारे कुछ भाई हैं वो बता रहे हैं। भाई साहब, जॉब कार्ड का जरूरत है यहाँ पर, हम लोग का कोई काम धाम नहीं है, हम लोग का जॉब कार्ड बनना चाहिए और जॉब मिलना चाहिए। ठीक है ठीक है, तो आपको जॉब कार्ड चाहिए, जॉब मिलना चाहिए इसे लॉकडाउन में ना। आपको क्या दिक्कत है भैया? दिक्कत ये है कि जब से हम आए हैं यहाँ 6 तारीख को लगभग आए हैं, जब से वो लैट्रिन जो है पेशाब खाना जो है वैसे ही पड़ा हुआ। अच्छा, लाइटिंग साफ नहीं है, बहुत गंदगी है, एक कल है जिससे सभी आदमी उस पर हाथ डाल के पानी हम लोग पीते हैं, उससे हम लोग को दिल में डर है कि कहीं हो सके कि किसी को अगर किसी का प्रॉब्लम हो तो दूसरे को हो जाए, और मैंने कि और भी चीज की कमी है जिससे हम। अच्छा, हम लोग यही सरकार से गुजारिश कर रहे हैं, हम अपने जिला पदाधिकारी से गुजारिश कर रहे हैं कि हमारे साफ सफाई पे ध्यान दे। अच्छा अंकल, आप बड़े बुजुर्ग हैं, आपकी कोई दिक्कत है? दिक्कत है
है, खाने में जो है डिस्टर्ब हो रहा है, कभी दाल सही नहीं बना रहा है, कभी चावल नहीं बना रहा है, सब्जी वैसे ही बनाता है। या सब्जी बॉइल करके छोड़ दिया जा रहा है, दाल में कभी नमक कम है कभी ज्यादा है, मतलब रोज जो चावल दाल सब्जी ऐसे ही दे रहा है, कुछ पूरी रोटी ये सब कुछ दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं, ओनली चावल दाल। सुबह में क्या नाश्ता देते हैं? चना मीठा देते हैं। डेली चना मीठा या बदल बदल कर देते हैं? डेली चना मीठा देते हैं। चलिए ठीक है भैया, आपको क्या दिक्कत है? अच्छा, दूसरे के नाम से है वो गारंटी नहीं है, पैसा जाएगा। अच्छा ठीक है, आपको कैश लेना चाहते हैं? नहीं, सभी लोग कैश लेना चाहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे नरवारा आदर्श मध्य विद्यालय में सभी को जो जो दिक्कत है वो लोग बता रहे हैं, कुछ कैश लेना चाहते हैं, कुछ खाने में दिक्कत है, कुछ साफ सफाई भी नहीं है, लाइटिंग का नहीं है, यही सब देख रहे हैं। हमारे भाई जो भी प्रवासी भाई आए हैं, प्रवासी मजदूर हैं, उनको कुछ किसी को जॉब चाहिए, किसी को कोई प्रॉब्लम है, खाने का प्रॉब्लम है, साफ सफाई नहीं है। ठीक है, हम लोग सरकार से गुजारिश करते हैं कि इनकी मांग को पूरा किया जाए। जय हिंद, जय भारत।